क्या बदतमीजी थी तुमने? जो कुछ भी किया सब हमने भी आपको किया। ऐसे कोई करता है क्या? सीरियसली, एक औरत दूसरी औरत के लिए स्टैंड लेती, सपोर्ट करती, पर आप दोनों तो बहने, आप बिंदे जी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? हेलो, तुम्हें किसने हक दिया पायल सवाल पूछने का? बीच में पूछने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरह से देख रहा हूं मैं कैसे हैंडल कर रहा है तू सो कॉल्ड पर्सनल मामला। क्रिश, अगर तेरे में मैनर्स होती ना तो मेरी बजाय तू पायल जी को समझा रहा हो। पहले सॉरी बोलो विद्या से। मैंने दीजिए कृष्णा जी, उससे कहा माफी मंगवाना जिसे अपनी गलतियों का एहसास था। और पल्लू तू, तू काहे गर्म पानी के बुलबुले की तरह तिल मिला रही? हमने कृष्णा जी को आजाद कर दिया फिर भी इतनी बेचैन काहे? चढ़ा इस शेर ने की तरह ना हम पे दहाड़े मारने की जरूरत नहीं, तो हम पता लगा के लेंगे। अगर देख तेरा क्या हाल होगा तो जो जो पता लगाना है लगा। और सुन, हम शेर नहीं थे, हैं और रहेंगे, और हम किसी की गीटर पंक्तियों से नहीं रहेंगे, समझी? शेरनी जी, शेरनी जी, शेरनी जी रुकिए ना। खूबसूरत चेहरा देखना किसे पसंद नहीं, और जो चीज खूबसूरत है शाम के लिए वो अजीज। अरे आप आए बाहर आए। थैंक यू। वैसे हम तो बस ये देखने आए थे कि आपका रूम सेट हुआ कि नहीं। हाँ, वो तो शेरनी जी ने दिया जी को। शेरनी जी फिर से बोलूंगा तो प्लीज चिढ़ जाएगा। वो क्यों चलेगा? आई डोंट नो। एनीवेज, बिंदिया जी ने मेरा रूम सेट कर दिया एकदम सेट। वो क्या सेट कर दिया? वो खुद ही यहाँ पे मेहमान है। यू आर राइट, तो एक काम कीजिएगा ना, वैसे आपको पूरी भाभी बोलो या आधी? ना पूरी ना आधी, जस्ट नहीं। नहीं, नॉट राइट। मैं आपको नाम लेके कैसे बुला सकता हूँ ना? वैसे सब कृष्ण की गलती है, सब कृष्ण की गलती। आई मीन कृष्ण ने ना बिंदिया जी को ठीक तरह से छोड़ा है, ना आपको पूरी तरह से पकड़ा है, पूरा जलेबी की तरह रिश्तों को बना दिया उसने, उलझा हुआ, पर फिर भी उसके हाथ में दो दो लड्डू हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज। क्या? कंफ्यूजन। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। लिसन, मैं कभी अपनी पत्नी का दर्जा दिया? क्रिश की लाइफ में पहले भी हम थे, आज भी हम हैं और हमेशा हम थे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वाओ, इसे कहते हैं रिश्तों की क्लैरिटी। आई होप क्रिश को भी ऐसी क्लैरिटी होती। क्रिश को ना, क्रिश बिंदिया और पायल के रिश्ते को लेकर समय को हुआ कंफ्यूजन। बिंदिया से माफी मांगने के लिए पायल को किया क्रिश ने मजबूर। कलर्स टीवी के शो सुहागन के ऑन लोकेशन से हम लेकर आए हैं लेटेस्ट अपडेट, जहां पर हमें ये देखने मिल रहा है जैसा कि पायल और समय की बात हो रही होती है, जहां पर समय का ये कहना होता है कि पायल को किस नाम से समय पुकारे, इसे लेकर समय को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आज तक क्रिश ने बिंदिया को पूरी तरीके से छोड़ा भी नहीं है और ना ही पायल को पूरी तरीके से अपनाया है। यहाँ पर पायल का ये कहना है कि क्रिश हमेशा से पायल के साथ ही था और बिंदिया उसका गुजरा हुआ कल है, और बिंदिया संग कभी भी क्रिश का कोई रिश्ता था ही नहीं। यहाँ पर बिंदिया संग बदतमीजी करके पायल बिंदिया का दुपट्टा दूर फेंक देती है, जिसके चलते क्रिश आकर पायल से कहने लग जाता है कि इस बदतमीजी का
पायल को जवाब देना पड़ेगा और बिंदिया से माफी मांगनी पड़ेगी। समय भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। वेल, क्या है आपका कहना, हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।